अभी हाल ही में एक चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी देखी। उस फिल्म की समीक्षा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस फिल्म की एक दो बातें हैं जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उस फिल्म में ये बताया गया है कि जो हिंदू समाज है वो धर्म से और अपनी परंपराओं से, अपना जो एक इतिहास है उससे कटा हुआ है, अपने बच्चों के साथ वो इन सब बातों को करने से थोड़ा सा परहेज करता है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो अपनी परंपराओं से, आपका जो इतिहास है उससे धीरे धीरे डिसकनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे लगते हैं। अभी 2 साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी गुजरात में, जो देवभूमि द्वारका है जिसे कृष्ण की नगरी कहा जाता है, उसमें जो अरेबियन सी है उसके अंदर स्कूबा डाइव करके मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि श्री कृष्ण की जो नगरी है वो समुद्र तल पर किस तरीके से पानी के अंदर दिखाई देती है। लाखों लोगों ने उस स्टोरी को पसंद किया है, उसका जो स्टोरी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उस स्टोरी के ऊपर हजारों लोगों ने कमेंट भी किया है, लगातार कर भी रहे हैं उसके ऊपर। यहाँ पर कुछ कमेंट्स इस तरीके से होते हैं जो बड़े ही बेहुदा और बड़े ही बेढंगे होते हैं। देखिए, प्रश्न अगर खूबसूरत होगा तो उसका जवाब भी उतना ही खूबसूरत होगा। उसमें एक विचारधारा झलकती है, जैसा कि हम वामपंथी या इससे मिलती जुलती जो विचारधाराएं हैं, ये जो विचारधाराएं हैं ये सिर्फ प्रश्न करना जानती हैं, इनके पास अपनी ही बातों का कोई जवाब नहीं होता है। दूसरी बात कि हर बात का जो प्रमाण जो मांगने की जो एक नई परंपरा यहाँ पर चालू हो गई है वो भी बड़ी हास्यास्पद है। आसानी से आप प्रमाण मांग लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रमाण नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी में जब आप आगे देखेंगे श्री कृष्ण की द्वारका को समुद्र के तल के अंदर किस तरीके से दिखाई दे रही है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं कोई इमारत है 40-50 साल, अगर उस इमारत को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे खंडहर बनती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसमें किसी भी तरीके की कोई हलचल ना हो तो वो ध्वस्त हो जाती है, टूट जाती है। ये ज़मीन की बात है 50 साल के अंदर। श्री कृष्ण की जो नगरी है वो समुद्र में डूबे हुए तकरीबन कम से कम जो है 5000 साल उसको हो गए हैं समुद्र के अंदर। समुद्र अपने अंदर कितना क्रूर होता है नीचे ये हम सब जानते हैं, वो किसी भी चीज़ को बख्शता नहीं है। ऐसी स्थिति में एक नगरी जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा समय से डूबी हुई है वो किस तरीके से होगी। आप YouTube के अंदर श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को अगर आप सर्च करेंगे तो सैकड़ों हजारों वीडियोस उसके ऊपर मिल जाएंगे। स्टोरी के अंदर कई सारी जो वीडियोस हैं उसके अंदर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको महल दिखा रहे हैं, मंदिर दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, इमारतें उसके अंदर दिखा रहे हैं, ये पूरी की पूरा फेक है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि हजारों साल से जो एक शहर जो है, एक नगरी पानी के अंदर डूबी हुई है, उसके क्या ही हमको क्या कहते जैसा हम चाह रहे हैं देखना वो उसके अंदर मिलेगा देखने के लिए। तो जो ऊंची इमारतें हैं और जो मंदिरों के जो स्ट्रक्चर हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे उसके अंदर। समुद्र का अपना जो अंडर करंट है वो सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। यहाँ पर द्वारका में स्कूबा डाइवर हैं जो कि मेरे मित्र हैं किरीट वेगन, वो प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर हैं और गोल्डन स्कूबा डाइवर सेंटर के नाम से द्वारका में ही अपना स्कूबा डाइव सेंटर चलाते हैं, बहुत कुशल स्कूबा डाइवर हैं। मैं इनके मार्फत आपको ये दिखाना चाहूँगा कि श्री कृष्ण की जो नगरी है वो किस तरीके से पानी में इस समय है। तलहटी पे जो बिखरे हुए जो पत्थर हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, आप देखिए इसको और आप एक अंदाज़ा लगाइए कि समुद्र के अंदर किस तरीके से है। समुद्र का जो जीवन है वो भी आपको उसके अंदर रंगीन जो जीवन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और कृष्ण की नगरी को आपको देखने का एक मौका भी मिलेगा। तो हरी बोल, और ये स्टोरी पर आप देखिए विजुअल देखिए, इसमें कोई वीओ नहीं होगा, वॉइस ओवर,
किसी भी तरीके की कोई कमेंट्री नहीं होगी, आप सिर्फ विजुअल देखिए और उसका आनंद लीजिए।
तो आपने ये विजुअल्स देखे, मैं अब चाहूँगा कि आप अपनी राय, आपने जो देखा है उसके अंदर वो किस तरीके से देखा, आपके अंदर जो प्रश्न हैं, आपकी अपनी जो जिज्ञासा है वो किस तरीके की है, कमेंट्स करके आप मुझ तक पहुँचाएँ। और इस तरीके के जो वीडियोस हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसके अंदर हमने द्वारका तो देखी नहीं है, द्वारका अंदर पानी के अंदर जो समाई हुई है समुद्र में वो ऐसी ही है। अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो वो आप कुछ और ही देख रहे हैं, आप हकीकत नहीं देख रहे हैं, आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं। तो सच्चाई को बयान करती ये जो स्टोरी है उसके ऊपर आप कमेंट जरूर कीजिए। दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं मॉनेटरी, और स्टोरी को तो आप लाइक करेंगे ही। अगली किसी स्टोरी में ऐसी ही किसी सच्चाई के साथ फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।